गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल के आ रही है, जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन किया हुआ है जीएसटी आर 4 का जो एनुअल रिटर्न है उसका नया वर्जन रिलीज कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स जो हैं वो अब दिए जाएंगे। ये जीएसटी आर 4 भरने के जो टाइम पीरियड है वो ईयर एंड होने के बाद कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को 30 अप्रैल अगले साल की 30 अप्रैल तक फाइल करना है, और जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उन लोगों के लिए जो एनुअल रिटर्न की टाइम पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड वो है 28 फरवरी 2022। तो यहाँ पर अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अब जीएसटी आर 9 और 9C को फाइल करने से पहले आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन बताया जाएगा कि 9 का टेबल्स आप किस तरीके से भर सकते हैं और बाकी एडजस्टमेंट्स आप किस तरीके से करेंगे। रजिस्ट्रेशंस जल्द ही क्लोज होने वाली हैं, तो आप फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी सीट्स जो हैं वो बुक करा सकते हैं। अब अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का काम करते हैं या आपका क्लाइंट कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वाला है, तो उसके लिए जो एनुअल रिटर्न आपको भरनी है जिसकी डेट थी 2021 के लिए 30 अप्रैल, 21-22 के लिए है 30 अप्रैल 2022, तो उसमें अब चेंजेस क्या हुए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं अपडेटेड वर्जन 1.0 जो है वो लाया गया, जिसके अंदर अब आपको इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई, जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देता हूं कि ये जो चेंजेस हैं ये आपको जीएसटी आर 4 के अंदर किस तरीके से नजर आएंगे। यहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं 1920 के लिए जो ऑलरेडी फाइल्ड है, तो जब आप 21-22 के लिए एनुअल रिटर्न ओपन करेंगे तो यहां पर अब आपको एक मैसेज मिलेगा, एक बटन दिया जाएगा जिससे आप इनवर्ड और आउटवर्ड की सप्लाई जो आपने भरी है कहां पर CMP08 में, वो फिगर्स ऑटोमेटिकली आपके GSTR 4 के टेबल्स में आ जाए। इसके बाद जो अगला चेंज किया गया है वो किया गया है गेट TDS CMP समरी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जब आप यहां पर देखेंगे कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 5 जिसमें CMP08 का डेटा जाता है, तो यहां पर भी आपको अब ऑटोमेटिक फिगर्स फाइल करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा, जिससे आपके होने वाली गलती के जो चांसेस हैं वो जीरो हो सकते हैं। यहां पर आपके पास अब ऑटोमेटिकली डेटा TDS और TCS का भी पॉपुलेट करके दिया जाएगा, आपको सिंपली क्लिक करना है कि वैलिडेट TDS डेटा और आपके पास ऑटोमेटिक सारा फिगर्स जो है जीएसटी पोर्टल से आ जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 4A और 4B ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स भी अब आपको यहां पर दे दी जाएंगी। अब ये 4A और 4B क्या है, 4A और 4B की अगर बात करें तो 4A है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, मतलब जो आप परचेज करते हैं अभी तक ये सारे फिगर्स हम लोगों को मैन्युअली पंच करना पड़ता था, अब यहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि आप डायरेक्टली जितने भी नॉर्मल परचेज आपने किए हैं जिस पे आपने टैक्स पे किया है रिवर्स चार्ज के अलावे, यानी कि आपके जीएसटी आर 4A में जो डेटा आएगा वो डेटा आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे और अपनी टेबल 4A वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। आपको सिंपली क्रॉस चेक करना है और अपनी रिटर्न्स के साथ उसे मैच करके फिगर्स फाइल करनी है। उसके बाद जो हमारा 4B है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज, 4A था रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, 4B है रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज वाला, यानी कि अगर आपने किसी GTA की सर्विस ली जो कि रजिस्टर्ड है GST में तो उसका डेटा भी आपके 4A में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ये डेटा भी अब आप पुल अप कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली फीड कर पाएंगे GSTR 4A के टेबल से।
इसके बाद वैलिडेट टर्नओवर का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जिसके तहत आप अपना CMP08 में भरा गया डेटा जो आप अल्टीमेटली भरते हैं टेबल नंबर 6 में, जो टर्नओवर वाइज रेट वाइज डिटेल्स जाती है, इसको भी वैलिडेशन करने का ऑप्शन जो है वो मिलने वाला है। तो ये काफी अच्छे चेंजेस GSTR4 के अंदर कर दिए गए हैं 18 फरवरी 2022 से। तो आपको अगली आने वाले GSTR4 के अंदर जो इनेबल करी जाएगी 2021 या 21-22 के लिए, उसमें ये सारे चेंजेस भी देखने को मिलेगा, जिससे GSTR4 आप लोगों के लिए थोड़ा सा फाइल करना और भी इजी होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा अपडेट जो है वो निकल के आया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को किस तरीके से अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो नए फॉर्मेट में फाइल करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।